गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11, नेचर्स गिफ्ट टू अस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। एयर इज ए ऑब्लिक एन डैश रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, None of these। Renewable means जो अपने आप को renew करते हैं after some time। Non-renewable जो ख़त्म हो जाते हैं, exhaust हो जाते हैं। So air renews itself after a certain period of time। कुछ समय में air क्या होती है, एनवायरमेंट में बनती है अपने से। इट इज़ प्रेजेंट इन एन अबेंडेंट फॉर्म, बहुत लार्ज अमाउंट में है, ये जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज कॉल्ड conservation, continuation, preservation, none of these। protection of natural resources, you have already studied the measures to protect the natural resources, why there is a need to protect the natural resources। so protect करना अपने natural resources को, whether renewable or non-renewable, is called conservation। करेक्ट आंसर ए कंजर्वेशन। थर्ड इज, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर, सोयल, वाटर एंड एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज। यू हैव स्टडीड अबाउट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज दे रिन्यू, वाटर अपने आप को क्या करता है, रिन्यू कर लेता है, और ये कम्प्लीटली फिनिश नहीं होगा कभी भी अर्थ से। सॉयल, वाटर एंड एनिमल, सो दे ऑल एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ, और वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं होंगे। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, बर्ड्स, बोथ ऑफ दीज, पीपल। देर आर मेनी सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन आर कंट्री, इन आर स्टेट और वर्ल्ड वाइड, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, ये दोनों के लिए होती हैं, फॉर एनिमल्स आल्सो एंड फॉर बर्ड्स आल्सो। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ दीज। फिफ्थ, विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से क्या मिलता है, ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जो क्रूड ऑयल होता है उसको फर्नेस में कई टेम्परेचर पे सेट किया जाता है, जिससे उस क्रूड ऑयल से हमें काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी मेन हमारा जो प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ हमें और बहुत से अदर प्रोडक्ट मिलते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ये पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट हैं। सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। करेक्ट आंसर विल बी आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ मूव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट ऑफ मिनरल्स, इट इज कॉल्ड माइनिंग। डिग किया जाता है, होल किया जाता है, और
अर्थ के सरफेस में से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है. इट इज़ डिग्ड आउट फ्रॉम द अर्थ एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग. द होल्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग इट इज़ कॉल्ड माइंस. इट इज़ डन बाय यूजिंग बिग मशीन्स. सेकेंड इज अ डेल्टा इज अ डैश शेप्ड आइलैंड एट द डैश ऑफ अ रिवर. डेल्टा, डेल्टा यानी जो आपने पढ़ा है दैट सम ऑफ द सेडिमेंट्स आर कैरीड बाय द वाटर टू द माउथ ऑफ द रिवर. दीज गेट डिपॉजिटेड इन ट्राइंगुलर शेप्ड आइलैंड. दैट ट्राइंगुलर शेप्ड आइलैंड एट द माउथ ऑफ अ रिवर. सो इन द फर्स्ट ब्लैंक यू हैव टू फिल. A delta is a triangular shaped island at the mouth of a river. Now these delta, they are very fertile also. Sundarban delta is example. Why they are fertile? Because they contain sediments of the river and it contains alluvial soil, which is very fertile for the growth of the crop. Third, dash is used for cooking. Which gas we use for cooking? CNG? No, we use LPG, liquefied petroleum gas, for cooking in our houses. It comes in a red cylinder. Now the fourth is, trees that remain green throughout the year are called. They are called evergreen. The trees of the evergreen forest remains green throughout the year. But opposite to that, the trees of deciduous forest, they shed their skin in certain time. Small sand sediments created by rivers, so they are called alluvial soil. Second, food bowl of India. Which portion is called food bowl of India? I shared a map also. It is the northern plain. Northern plains are called the food bowl of India. The reason is the river Ganga flows here and it contains a soil called alluvial soil, which is very fertile, and that's why so many crops grow here, and it is the major producer of crops in the country. Third, fertile triangular shaped island, they are called delta. A domesticated animal. Domesticated means the animal which we keep in our houses. Do we keep lion in our house? No. There are many other animals like cow, buffalo, goat. These are domesticated animals. Protection of natural resources. What we call protection of natural resources? Yes, the protection of natural resources is called conservation. Let us discuss the short answers of the questions given. Which soil is best for growing crops? Alluvial soil is best for growing crops. Why? Because River Ganga flows in the northern plains and it is coming from Himalayas. तो इसमें बहुत सारे minerals होते हैं जिनकी वजह से growth of crop, of all type of crops is possible. It contains alluvial soil. It is rich in minerals, magnesium, potassium and other materials or substance which is good for the growth of the crop.
Second is, from where do we get minerals? We get minerals from the earth's surface. It is found deep under the earth's surface, and by the process of mining, these minerals are taken out of the earth. The holes that are dug are called mines. What are forests? When so many trees grow in a particular area, तो दैट एरिया इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट. जब बहुत सारे पेड़ एक जगह पे हमें दिखते हैं तो हम उसे फॉरेस्ट कहते हैं. दीज फॉरेस्ट दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड दे ऑल्सो गिव्स अस मैनी थिंग्स लाइक फ्रूट्स फ्लावर्स ट्रंक विच वी यूज इन आर डेली लाइफ. So there is a need to protect the forest also. Now there are many types of forests like evergreen forest, deciduous forest, thorny and scrub forest, mountain forest and tidal forest. I hope the question and the answer is clear to you. Thank you, class.